सो टुडे वी लर्न हाउ टू ट्रीट मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको, जिसमें हमने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को देखना है कि किस तरह इन्हें करेक्ट किया जाता है, ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पर ट्रेपेजियस ट्रिगर पॉइंट दिखाए गए हैं, दो ट्रिगर पॉइंट हैं जबकि पूरे हेड में पेन हो रहा है और जहाँ में पेन हो रहा है। तो हम समटाइम इसको कह रहे थे कि हेडेक है या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन है। ठीक है, तो इसको पेन ऐसे ही होता है ट्रिगर पॉइंट का। ठीक है, आपको गर्दन में हो गया, कभी लेग्स में हो गया, इस तरह आर्म्स में। तो जब एक्सरे या एमआरआई करवाते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, तो जब आप फील करते हो तब पेन होता है। तो इसमें हमने करना क्या है, करेक्ट कैसे करना है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को। करेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि जिस वजह से भी आपके मसल से स्ट्रेस पड़ रहा है, चाहे वो ओवरलोड है, ठीक है, चाहे आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा देर झुक के बैठ रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक करें, या फिर आप रेपिटेशियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, गैप दे लें इसके दरमियान में, ताकि आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सही हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिगर पॉइंट को किस तरह से हम रिलीज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फोर मेथड हैं। पहला है स्प्रे एंड स्ट्रेच, ठीक है, सेकंड है ट्रिगर पॉइंट रिलीज़, थर्ड है ड्राई नीडलिंग एंड फोर्थ है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब स्प्रे और स्ट्रेच क्या है, आपने स्प्रे करना है उस पार्ट को, उस मसल्स को जिसमें बने हुए हैं। सबसे पहले देखना है कि ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे बना हुआ है उस मसल्स को थ्री स्ट्रोक, ये वेपोकूलेंट स्प्रे होते हैं जो कि उस मसल पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद स्ट्रेच दे देते हैं, इससे सूदिंग इफेक्ट मिलता है और उसके अलावा पेन जो है कम से कम हो जाता है स्प्रे करने से। उसके बाद स्ट्रेच देंगे तो मसल इलोंगेट होगा और उससे ट्रिगर पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास स्प्रे एंड स्ट्रेच का प्रोसीजर है। अब हमारे पास आता है ट्रिगर पॉइंट रिलीज। ट्रिगर पॉइंट रिलीज होते हैं या तो मसाज के थ्रू या फिर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मसाज आप कर सकते हैं थंब के थ्रू, ठीक है, या फिर अपनी एल्बो कोहनी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। उस एरिया में मसाज अप्लाई करके आपने मायोफेशियल रिलीज़ करना होता है, या फिर कांस्टेंट प्रेशर दे के वहाँ का जो प्रेशर है, टाइटनेस है, वो रिलीज़ कर देते हैं, जिससे ट्रिगर पॉइंट जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट, इस तरह से हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग में क्या है, इसमें आपने एक नीडल होती है जिसको इंसर्ट करना होता है ट्रिगर पॉइंट के अंदर। ठीक है, इसको ड्राई नीडलिंग टेक्निक्स को हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप इंसर्ट करेंगे नीडल, जिससे ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मेन इसका फंक्शन यही है, ये ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ कर देती है। तो हम ये नीडल अप्लाई करती है इसके लिए, ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। इंजेक्शन भी ड्राई नीडलिंग की तरह है। ठीक है, इंजेक्शन में आप पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नीडल के थ्रू मेडिसिन इंसर्ट करते हैं जो कि एनेस्थेटिक्स और स्टीरॉयड का मिक्सचर होता है, जिससे वो जाके ना उस टाइम सूदिंग इफेक्ट दे देता है, पेन जो है वो कम, उस टाइम तो पेन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाद में जो है ये एक गुड साइन होता है, बाद में पेन जो है वो कम हो जाता है और ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच। इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच में क्या करना होता है कि पहले फुल रेंज में स्ट्रेच देते हैं जितना पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली नहीं करना, स्टैटिक नहीं करना, डायनामिक करना है। ठीक है, मूव करते हुए सेगमेंट को मूव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको रिलैक्स कर देना है कुछ सेकेंड, 10 to 15 seconds का कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, उसके बाद थेरेपिस्ट ने स्ट्रेच दे देना होता है। तो इससे भी मसल लेंथनिंग होती है तो ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये एक मेथड था कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द मसल। अब स्ट्रेचिंग दे दी है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो गए हैं, तो इसके बाद हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन करा के स्ट्रेंथनिंग करते हैं मसल को, ताकि बाद में ना बने।